कंप्लीटली देखेगा थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं कुछ ऐसी हैं, बट देखेगा जरूर ये बहुत आसान नंबर है मीडियम को लेकर परेशान मत होना हिंदी मीडियम वाले मैं ट्रांसलेट करके चलूंगी सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत्या कनेक्टेड विद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुंचे कैसा कैसा चल रहा है आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बहुत बढ़िया लाइक शेयर आप करते रहिएगा जैसे जैसे आप आते जाए दिव्य तिवारी बहुत बढ़िया देव तिवारी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो कर लीजिएगा ये बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ठीक ये जो पीडीएफ होगी आपको मिल जाएगी लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर हम लोग वहाँ वन लैक हो चुके हैं आज तो वो अपने आप में एक अच्छी बात है कांग्रेचुलेशन आप सभी को है ना उसका लिंक तक काम नहीं करता है मुझे लग रहा है टेलीग्राम का और आप लोग सर्च कर करके एक लाख लोग पहुंच गए ये कितनी बड़ी बात है चलिए फिर थीम्स पर आते हैं थीम्स की बात करते हैं ईवीएस में एक क्वेश्चन रखा हुआ मतलब पक्का क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना मतलब फ्री का नंबर है बस थोड़ा सा रिवाइज करना है इसमें ठीक है थीम्स ऑफ ईवीएस ईवीएस में कुछ थीम्स हैं उन थीम्स के अंदर कुछ सब थीम्स हैं फिर टॉपिक्स बनाए गए हैं उनसे ठीक तो इस सिक्स थीम्स पर बेस्ड है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी लेवल पर ठीक जो ये प्राइमरी लेवल है फर्स्ट टू फिफ्थ का उसमें भी थर्ड से ईवीएस की बुक आती है इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड में बुक क्यों नहीं है ईवीएस की प्राइवेट स्कूल वाले कुछ भी लगा दें वो एक डिफरेंट चीज है एनसीएफ नहीं करता तो थर्ड थर्ड टू फिफ्थ फिफ्थ फोर्थ और, fourth और में NCRT आती है इसलिए हमने समरी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की की है ठीक तो ये सिक्स थीम्स हैं पूरा ईवीएस इन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा और यहां से एक क्वेश्चन पक्का अगर हम बात करें थीम्स ऑफ ईवीएस की तो कुछ सिक्स थीम्स हुई पहला थीम क्या है फैमिली एंड फ्रेंड्स परिवार और दोस्त जिनके बिना काम चलता नहीं है है ना इंपॉर्टेंट है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स पहले मैं ये बिल्कुल आप याद करके जाएंगे यहां से टेंशन मत लेना फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब परिवार और दोस्त है ना आप फैमिली में जन्म लेते हैं फिर उसके बाद परिवार दोस्त भी बनते हैं वहां पे भी दोस्त बना लेते हैं कुछ फैमिली में भी ठीक है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं आसपास ठीक है जंगल में नहीं हो तब क्या है फूड यानी कि खाना चाहिए होगा तो फैमिली एंड फ्रेंड्स दूसरा थीम क्या हुआ मेन थीम्स हैं सिक्स फूड खाना ठीक थर्ड है आपका वाटर भाई पानी भी तो पियोगे खाना खाके ठीक वैसे पीना नहीं चाहिए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स फिर आपका फूड है उसके बाद आप वाटर लेंगे इनटेक हुआ वाटर का फिर शेल्टर मतलब आपको आश्रय चाहिए रहने के लिए घर झोपड़ी जो चाहे जो भी मिल जाए ठीक फिर है ट्रैवल फिर आपका यार बोर हो गए एक जगह पे तो आप सोचेंगे चलो घूम के आते हैं आजकल कोरोना में नहीं बट वैसे जनरली तो ट्रैवल फिर सिक्स सिक्स जो थीम है लास्ट थिंग्स वी मेक एंड डू भाई कुछ कुछ करते भी तो हैं हम दुनिया में ऐसा ही थोड़ा ना मतलब खाओगे पियोगे ऐसे परिवार में जन्म हुआ खाना खाया पानी पिया एक घर मिल गया एक शेल्टर में आश्रम में पहुंच गए फिर कभी घूम के आगे कुछ तो करोगे ना बोर हो जाओगे अगर ऐसे कुछ नहीं करते रहोगे घुमक्कड़ हो जाओगे ठीक है तो ये कुछ सिक्स थीम्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए आप अगर यहाँ पांच मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे याद रखने में इनको तो आपके दो से तीन नंबर से हो सकते हैं आसानी से कम से कम भी क्योंकि इसमें फिर वो क्वेश्चन घुमा करके बनाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे सिंपल सिक्स थीम्स हैं सिक्स थीम्स में क्या है फैमिली एंड फ्रेंड्स में आप पैदा हुए फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स फिर फूड मतलब खाना चाहिए फिर वाटर चाहिए शेल्टर चाहिए ट्रैवल करना है और लास्ट में कुछ तो बनाओगे तो थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक है जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं क्लियर हो गई बात एक बार फिर से मेरे साथ खुद बोल के देखो इसको छोड़ करके यहां से फर्स्ट थीम क्या है टोटल सिक्स थीम्स हैं छह थीम है उन सिक्स थीम्स में से पहला क्या है फैमिली एंड फ्रेंड्स फिर फूड चाहिए आपको शेल्टर चाहिए आपको इसके अलावा फिर आपको क्या चाहिए ट्रेवल करना है और फिर थिंग्स वी मेक एंड डू और इसमें से कोई एक मिस कर दिया है मैंने है ना तो ये टोटल मिला करके कुछ सिक्स थीम्स हो गए अब थोड़ा सा देखेंगे इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मैंने बीच में क्वेश्चंस भी डाले हैं ठीक है तो अगर मैं बात करूं तो ऐसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं अगर हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक फूड थर्ड क्या है वाटर फिर क्या करोगे शेल्टर चाहिए ट्रैवल करना पसंद करोगे और थिंग्स वी मेक कैन डू कुछ तो करोगे ही ठीक सिंपल बात फैमिली फूड वाटर शेल्टर और ट्रैवल उसके बाद आपका थिंग्स वी मेक कैन डू क्लियर है बात ये दिमाग में पिक्चर या तो इसको बना लो जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है बाकी आसान है ठीक है बात क्लियर पीडीएफ ये मिल जाएगी इसको चार पांच बार देखोगे भी ना सिर्फ तब भी याद रहेगा है ना फैमिली खाना पानी ताना मतलब रहोगे कहीं शेल्टर ट्रेवल और फिर थिंग्स वी मे कैन डू आगे बढ़ जाएंगे बहुत बोल्ड कर दिया मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे बट ये इंपॉर्टेंट है जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है सब थीम्स हैं अब इसके कुछ अगर आपको सिक्स थीम्स क्लियर हैं अगर आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए इतनी बार डिस्कशन के बाद तब जाके सब थीम पे बढ़िएगा अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होंगे बीच में ठीक तो सिक्स थीम्स हमको क्लियरली पता है मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक क्या फूड वॉटर शेल्टर ट्रेवल लास्ट क्या था बताओ फटाफट से थिंग्स वी मेक एंड डू ये हुई सिक्स मेन थीम्स ये ब्रॉड थीम्स हैं इसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर कुछ चार सब थीम हैं जो इनके अंदर आती है ये जो मेन थीम है फर्स्ट इसके अंदर कुछ फोर सब थीम्स हैं 1.1 क्या हो गया रिलेशनशिप्स वर्क एंड प्ले कुछ तो करोगे भी ना दोस्तों के साथ भी घर में भी खेलते हो कुछ करते हो एनिमल्स प्लांट्स ये कुछ सब थीम हुई फोर किसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स कितनी है फोर फैमिली एंड फ्रेंड्स की क्लियर बात हो गई फैमिली फ्रेंड्स क्या है वो एक ब्रॉड थीम है अब इसके अलावा एक और सब थीम है आपकी सब थीम दूसरा है जिसकी सब थीम्स हैं वो है फूड बस दो में ही है जिनमें सब थीम्स हैं बाकी में नहीं है फूड की सब थीम्स क्या हैं टेस्टिंग हमने चैप्टर पढ़ा है टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग आपको याद होगा हमारे पेट का टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस कैसे हमारे अम्लीय जो तत्व होते हैं पेट में जो एसिड है ठीक तो टेस्टिंग डाइजेस्टिंग पाचन कह सकते हैं कुकिंग प्रिजर्विंग टेक्निक्स ये भी हमने पढ़ी है क्वेश्चन आता है इनपे भी कैसे आप दूध को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो कैसे धनियों को ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकते हो फिर है फार्मर्स एंड हंगर जो फार्मर्स हैं इस पर भी हमने बात की हुई है कैसे कालाहांडी में आ, उड़ीसा में वहां क्या स्थिति है कैसे लोग भूखे बहुत ज्यादा वहां गरीबी है इतना ज़्यादा चावल उगने के बाद भी है ना तो कैसे किसानों को प्रॉब्लम है तो फार्मर्स एंड हंगर तो कुछ फूड में ये पांच सब थीम हुई। फैमिली में कितनी थी फोर सब थीम थी फूड में कितनी है पांच सब थीम है ठीक है बात यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी नेक्स्ट पर चलेंगे अब यहां तक की बस इतनी कहानी है आपको सब थीम हर एक छह थीम में है मतलब टोटल सिक्स थीम्स में से सिर्फ दो में ही सब थीम्स हैं बाकी में नहीं हैं। बाकी है बाकी नॉर्मल है ठीक तो अगर हम बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में चार सब थीम हुई कौन सी है वो चार सब थीम देख लेते हैं एक बार ध्यान से रिलेशनशिप्स वर्क एंड प्ले एनिमल्स और प्लांट्स फिर फूड में पांच सब थीम है टेस्टिंग डाइजेस्टिंग कुकिंग प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मर्स एंड हंगर टोटल मिलाकर सब थीम कितनी हुई कुछ नाइन हो गई सिंपल है बाकी का तो आपका है ही जैसे था। हो गई बात? बहुत डिस्कस किया वो कितना क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ सिक्स ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस आज का जो सिलेबस है आपकी जो एनसीआरटी बुक्स बनी हुई है पूरा जो सिलेबस है उसमें कौन सी एक बात कौन सा एक ऑप्शन ब्रॉड थीम में नहीं आएगा नॉट अ ब्रॉड थीम ब्रॉड थीम कितनी है जो बड़े वाली ब्रॉड का मतलब समझ रहे हैं आप बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले भी सिक्स ब्रॉड थीम्स हैं उनके अंदर कौन सी एक पॉइंट नहीं आएगा अगर आपने सिक्स याद की हुई है ना तो आपको कोई सब थीम याद करने की जरूरत ही नहीं है उन सिक्स में से आप पहचान जाओगे ये ब्रॉड है इसके अलावा जो है वो सब सब थीम है फटाफट से बताओ कितने दुख की बात है जो लोग ए आंसर कर रहे हैं मतलब मैं गाने गा रही हूं तब से कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में जन्म लोगे फिर खाना खाओगे फिर पानी पियोगे फिर एक घर भी चाहिए रहने को जिसको शेल्टर कहेंगे और आप लोग ने ए कर दिया आंसर मतलब क्या चाहते हो है? फिर हद कर दी मतलब शेल्टर कैसे हो सकता है शेल्टर ब्रॉड थीम है नॉट पूछा क्वेश्चन में थिंग्स वी मेक एंड डू ये भी ब्रॉड थीम हुई लास्ट वाली जो है वर्क एंड प्ले या फूड ये तो हम समझ ही चुके हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद तो खाना ही खाएंगे ना ठीक तो वर्क एंड प्ले सिर्फ यहां पर आंसर होगा जो ब्रॉड थीम में नहीं आएगा वो फैमिली की सब थीम में है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है उसके सब थीम का हिस्सा है वर्क एंड प्ले सी आंसर यहां सही हुआ ठीक तो ऐसी गलती ना करें जिसका कोई फायदा ना हो फिर है ना सारी मेहनत पानी में चली जाएगी आपकी भी और मेरी भी इससे आसान नंबर नहीं है अगेन मैं फिर से वही कहूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन ईवीएस टिक्स EVS, EVS, topics. Topics की जगह थीम्स को क्या दिया हुआ है प्रपोज किया हुआ है ईवीएस में जिन पर सारे टॉपिक बने हुए आपके रीजन क्या है इसका पहला ऑप्शन है आपके सामने टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लर्नर्स बच्चे जो उनका पर्यावरण है उसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाए फॉर डेवेलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल बच्चों के 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 अंदर शिक्षार्थियों स्थानीय परिवेश मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित हो सके मतलब कि इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज उनके एनवायरमेंट में क्योंकि बच्चे जो हैं टुकड़ों में नहीं देखते एनवायरमेंट को तोड़ के वो एज अ होल देखते हैं कहीं अगर आसपास लड़ाई भी हो गई या उन्होंने कुछ देख लिया एकदम से जिससे वो पहले अवगत नहीं थे बट वो एकदम से देखेंगे तो वो उनके अंदर जाएगा तो सही हिट तो करेगा उन्हें तो एनवायरमेंट की एक इंटर रिलेटेड समझ बने बच्चों में इसलिए बड़े बड़े थीम्स को शामिल किया गया है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं बाकी ठीक है फिर है थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजेक्शन इज इजी ऐसा कुछ नहीं है इजी और टफ की बात नहीं हो रही फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स ये सब फालतू होते हैं कि टीचर का बोझ कम करना बच्चे का बोझ कम करने की बात हो तो ठीक है बट ऐसा सिलेबस का बोझ कम करने के लिए आपने थीम्स डाल दिए तो ऐसा थोड़ी है, फिर तो टॉपिक्स में और कम हो जाता ठीक तो ऐसा कुछ नहीं है बी ऑप्शन यहां सिंपल सही हुआ क्यों बात हुई है कि कौन सा एक सिलेबस के टॉपिक का हिस्सा नहीं है मतलब थीम्स को क्यों डाला हुआ है टॉपिक्स को क्यों नहीं तो सिंपल इसका आंसर है फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट भाई जो इंटर रिलेटेड पूरा जो एनवायरमेंट है बच्चे का आसपास उसको वे इंटर रिलेट करके देख पाए जोड़ करके देख पाए अलग थलग ना देखे क्लियर हुई बात इसलिए थीम्स को दिया है ईवीएस में ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे अब इनसे कितने भी क्वेश्चन बनाए बनाए जा सकते हैं ठीक है बात अब यहां पे आपको ऑप्शन में दे सकता है ये ऑप्शन कितने भी बार बदले हुए हैं और कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कभी शेल्टर की जगह फैमिली दे, दे देगा कभी किसी की जगह कभी आपको सब थीम दे, दे देगा उसमें से एक मेन थीम होगा जो चूज करना होगा तो सिर्फ सिक्स थीम्स याद कर लीजिए काम चल जाएगा मैप की बात बाद में करेंगे अभी हम बात कर लेते हैं फटाफट से सिक्स थीम्स की फिर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप भूलें सिक्स थीम्स कभी भी ठीक है और इसके बाद भी हो सकता है आपको रिवीजन की जरूरत पड़ जाए ठीक है बात बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग याद करो कौन से हैं सिक्स थीम्स बहुत बढ़िया फैमिली फैमिली एंड फ्रेंड्स पहला है परिवार और आपके दोस्त फैमिली एंड फ्रेंड्स सेकेंड क्या था भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद क्या करोगे खाना चाहिए होगा फूड फिर पानी भी पियोगे खाना खाके वाटर, रहोगे भी तो सही कहीं शेल्टर घूमने भी जाओगे ट्रेवल और थिंग्स वी मेक एंड डू कुछ तो करोगे ही ऐसी थोड़ी ना कम में घूमते रहोगे थिंग्स वी मेक एंड डू ये सिक्स ब्रॉड थीम्स है इनके अलावा जो मिले वो सब थीम है या नहीं है ठीक है तो ये एक बेसिक सी बात हुई और इसमें भी सब थीम किसके अंदर है फूड और फैमिली में बाकी चारों में कोई सब थीम नहीं है क्लियर हो गई बात पांच सब थीम है फूड में और चार सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स में टोटल नाइन सब थीम्स हो गए मिलाकर के क्लियर यहां तक की कहानी ये थीम्स हुई ईवीएस की मुद्दे हैं ईवीएस के ठीक है मैप एक अलग वीडियो में टोटली totally कवर करूंगी मैं जिसमें क्वेश्चन भी जितने आज तक आए हुए मैप से भी एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते ही है एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है मैप से तो उस पर डिस्कशन करेंगे इतने इसको देखना दो चार बार मैप थोड़ा देखा करो बैठ के ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो जब उससे दिमाग में थोड़ी पिक्चर बनेगी क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है इसमें थोड़ा थोड़े दिन लगेंगे याद रखने में, में मैप को। कुछ पैडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आप जिनको समझेंगे उसके बाद कुछ कुछ बीच में क्वेश्चन करेंगे कि कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस के बारे में फिक्स क्वेश्चन है इनको कोई हिला नहीं सकता पेपर से देखते हैं चलो फ्यू पैडोगॉजिकल कॉन्सेप्ट कुछ एन अटेम्प्ट डीप एंड इंटर रिलेटेडिंग कोशिश की गई है एनसीई आर टी के द्वारा Training, जिसने आपका प्लान किया हुआ है, आपकी सारी बुक्स हो या फिर आपका एनसीएफ हो ठीक तो एनसीआरटी ने एक कोशिश की है टू डिवेलपीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम जो सिक्स थीम्स है हर एक थीम की एक इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके आपकी बिल्कुल क्लियर तरीके से बच्चे जोड़ करके कनेक्ट करके और डीप एक समझ बन सके आपके एनवायरमेंट से जोड़ करके सारे थीम बनाए गए हैं टोटल सिक्स थीम्स में पूरा आपका एनवायरमेंट है पांचवी तक के बच्चे के लिए साइंस भी उसी में है सोशल साइंस भी उसी में है एनवायरमेंट भी उसी में है उन सिक्स थीम्स में ही ठीक है तो यही क्वेश्चन हमने अभी किया था सेकंड नंबर पर कि थीम्स को क्यों लगाया गया क्योंकि एक डीप एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बन सके बच्चे की इश्यूज को लेकर एनवायरमेंट के ठीक नेक्स्ट है ईच थीम बिगिनस विद की क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन बात ध्यान में रखनी है हर एक जो थीम है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो एक की क्वेश्चन से होती है आप देखते हैं एनसीआईटी बुक्स में क्या आपने आप मान लीजिए कोई ट्रेवल पर घूमने के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो शुरुआत आप में आपको दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कि अच्छा क्या आप कभी घूमने गए हो घूमने गए हो तो कहा गए हो अच्छा ट्रेन कैसे चलती है इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं तो हर एक थीम जो शुरू होती है वो कुछ सूटेबल क्वेश्चंस से शुरू होती है जो बच्चों की भाषा से कनेक्ट कर पाए क्योंकि जब तक आप बच्चे की भाषा से कनेक्ट नहीं करेंगे वो स्पेशली प्राइमरी चिल्ड्रन की बात हो रही है ठीक है फिर है वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेज ऑफ जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जो टीचर है जो बच्चा है आपको सेंसिटाइज करना है उनको संवेदनशील बनाना है कैसे अंतर के बेस पे डिफरेंसेज ऑफ जेंडर लिंग के आधार पर जो अंदर अंतर है क्लास के आधार पर जो अंतर हैं कल्चर के आधार पर जो कल, आ, अंतर हैं रिलीजन के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर ज्योग्राफिकल स्टैंड टूगेदर यह बात उनके दिमाग में जानी चाहिए कि कितनी भी डायवर्सिटी है विभिन्नता है हम सब एक नहीं होते एक जैसा खाना नहीं खाते एक जैसे दिखते नहीं है हमारे लिंग डिफरेंट हो सकते हैं इसके अलावा क्लास डिफरेंट हो सकती है हमारी संस्कृति डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है रिलीजन किसी धर्म को हम दूसरे को मान सकते हैं लेकिन ऐसा ना हो जो हमने अभी किया हुआ है सोशल मीडिया पे कि गालियां ही दे रहे हो बस हम ठीक तो ये सारी चीजें जोग्राफिकल लोकेशन अलग हो सकती है आ, कोई साउथ इंडिया में रह सकता है कोई नॉर्थ में रह सकता है कोई ईस्ट में रह सकता है तो ये सब चीजों के बावजूद भी हम टुगेदर मतलब यूनाइटेड खड़े हों ठीक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात आपको समझानी है बच्चों को हर किसी के कल्चर को फूड को लैंग्वेज को इन सबको रिस्पेक्ट करना वहीं से संवेदनशीलता आती जाए देखो आपके पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है मैं किसी एक चीज में विश्वास रखती हूं आप किसी दूसरी चीज में विश्वास रखते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं जिस चीज में विश्वास रखती हूं आप भी उसी चीज में विश्वास रखें और सर्फ फोड़ लें दोनों मिल तो बच्चों के दिमाग में यही चीज जानी चाहिए तो कोई भी क्वेश्चन जहां पर अंतर या डिफरेंसेस की बात होगी तो आप क्या सिखाएंगे या वो आंसर किस तरफ जाना चाहिए जहां बात यूनिटी की हो और इंडिविजुअल डिफरेंसिस को रिस्पेक्ट करने की हो सिंपल बात आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ कोर्स शुड बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड द चाइल्ड शुड बी असैस्ड एज शी ही ऑब्जर्व आस्क ड्रॉज डिस्कशन इन ग्रुप्स शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके हर एक सब्जेक्ट में यानी सीसी मान लीजिए तो जो मूल्यांकन है बच्चों का वो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी में आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऐसा नहीं है एक दिन पेन पेपर टेस्ट लिया और बस काम खत्म ठीक है तो इस केस में द चाइल्ड शुड बी असेस्ड आप बच्चों को कैसे आकलन करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे अवलोकन करेंगे देखेंगे उसको एक्टिविटीज करते हुए पूछेंगे उससे क्वेश्चंस कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कराएंगे डिस्कशंस में उसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि उसका उसकी सोच डेवेलप हो और ग्रुप्स में कोऑपरेशन सीखेगा सीखेगा सहयोग सीखेगा ठीक है बात आगे बढ़ेंगे भाई आज का टॉपिक समझने वाला है मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि जल्दी करने पर क्या होगा ये दिमाग में नहीं बैठेंगी चीजें अब एनसीएफ पे आते हैं फिर एनसीएफ करेंगे एनसीएफ के कुछ क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हुए हैं बहुत ज्यादा आपको सर दर्द नहीं लेना एनसीएफ की क्या रिकमेंडेशन है ईवीएस को लेकर हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ ईवीएस मतलब एनसीएफ ने कहा है ठीक है एनसीएफ ने हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहा है और आपकी जो पैडागोजी है वो ज्यादातर वहीं से बनती है फिर आपके सब्जेक्ट में सीटेट में एनसीएफ की रिकमेंडेशन क्या है एनसीएफ 2005 थाउजेंड फाइव रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंकड टू देअर लाइफ आउटसाइड द स्कूल जो बच्चों की जिंदगी है स्कूल में वो आउटसाइड द स्कूल जो घर से या जिस पर्यावरण से वो आ रहे हैं उससे कनेक्टेड हो मतलब रियल लाइफ से आप जोड़ेंगे लर्निंग को बच्चे की क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करे क्योंकि बच्चों को रहना दुनिया में ही है स्कूल में वो सिर्फ छह घंटे के लिए आया है ठीक है बात इसके बाद इट विल डिमिनिश द गैप बिटवीन द स्कूल होम एंड कम्युनिटी अगर आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं बच्चे के एनवायरमेंट से जोड़ रहे हैं लर्निंग को क्लासरूम लर्निंग को तो क्या होगा जो गैप कम होगा गैप किसके बीच में घर के बीच में समुदाय यानी कम्युनिटी के बीच में और स्कूल के बीच में क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हो गए फिर क्लियर है बात इट डिस्करेजेस द बुकिश और रोट लर्निंग ये हमारा मेन मुद्दा है कि हम रट्टाफिकेशन को रटने को रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करते डिस्करेज करते हैं एक नंबर का क्वेश्चन है डिस्करेज करते हैं आप किसको रट्टाफिकेशन को कैसे कम होगा जब आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे रियल लाइफ से जोड़ने से और क्या होगा गैप कम होगा वो जो इतनी दूरियां बनी हुई है ना डर है बच्चे के अंदर स्कूल जाने से पेपर से पढ़ने से टीचर से ये सब खत्म होगा समुदाय से जुड़ेगा वो अपनी कम्युनिटी से जुड़ेगा समाज के लिए कुछ बेहतर सोचेगा वो आपके स्कूल के बारे में भी सोच पाएगा और अपने बारे में भी और सोसाइटी के बारे में ओवरऑल इंटरलिंक्ड है सारी चीजें गैप कम कर रहे हैं आप स्कूल और घर के बीच में जो वो ब्रिज बना हुआ है उसको आप कम कर रहे हैं वो वैसा ही फील करेगा स्कूल में भी जैसा वो घर पर करता है अगर आपने इंटरेस्टिंग बनाया लर्निंग को तो ठीक है बहुत बढ़िया प्रियंका यादव जी सही है जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बस हा सागर अब सेकेंड लास्ट सेशन है आज और कल में पैटोलॉजी खत्म हो जाएगी तीस नंबर ईवीएस के खत्म हो जाएंगे सीडीपी की आप देख चुके होंगे प्लेलिस्ट फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगी फिर इंग्लिश करेंगे टेक्स्ट बुक डिवेलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोड लर्निंग जो किताबें बनेंगी इस बेसिस पे कि बच्चों को आपको रियल लाइफ से जोड़ना है वो भी कैसी बनेंगी? वो किताबें ऐसी बनेंगी कि वो रट्टाफिकेशन को इग्नोर करेंगी पहले किताबें कैसी आती थी लाइन लाइन भरी हुई है जिसमें कोई पिक्चर देखने को नहीं है अब किताबें कैसी आती हैं अगर आप एनसीआर की किताबें उठा करके देखेंगे आपको पिक्चर ही पिक्चर मिलेंगी इतनी सारी एक्टिविटीज उसमें दी हुई होंगी इतने इंटरेस्टिंग वे में कहानियां बताई गई हैं कि जैसे वो बुक आपसे खुद बात करेगी ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है उसमें ठीक तो इस आधार पर जो किताबें बनेंगी वो भी ऐसी बनेंगी कि वो बच्चे से कनेक्ट कर सकें डिस्करेज करें हतोत्साहित करें रटने को फिर है इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी नाइनटीन इससे क्या होगा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी एनपी ने उन्नीस में वो कहीं ना कहीं तक सफल हो पाएगी ठीक है अब तो हम सारे में वही बातें कर रहे हैं आपका सीबीएसई ने लागू किया सीसी को और सब कुछ ठीक तो ये एक बेसिक बात हुई